लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, काफी सारे लोगों ने मुझे हॉरर मूवीज का एक्सप्लेनेशन मांगा था जो मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूंगी। लेकिन मीनवाइल अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने में काफी इंटरेस्टेड हो तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज को जरूर विजिट कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही डरावनी रियल हॉरर स्टोरी सुनने मिलेंगी जो कि काफी मजेदार है। तो अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में डाली है। मुझे पर्सनली इनका कंटेंट काफी पसंद आता है, आप भी इनके चैनल को जरूर एक बार देख लीजिए। कहानी शुरू होती है आज से सदियों साल पहले इजिप्ट में, जब इंसानों को पिरामिड और उसके शक्तियों के बारे में भी पता नहीं था। तभी एक योद्धा आता है जो अपने काले जादू की मदद से पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाना चाहता था। मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियन किंग इस मूवी की, जो 2002 में रिलीज हुई थी। द ममी इस मूवी के 5000 साल पहले की ये कहानी है, जहाँ पे मथायस की शुरुआत, उसकी शक्तियाँ और आगे जाके वो स्कॉर्पियन किंग कैसे बन जाता है उसकी कहानी है। आज से सदियों साल पहले की इजिप्ट की कहानी है। तभी पूरब से आया हुआ एक राजा जिसका नाम मेमनन था, वो इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसके साथ काफी बड़े बड़े वॉरियर थे और वो उसे अपना राजा मानते थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसके जैसे तलवारबाजी करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही क्रूर था। जो लोग उसके सामने झुकते नहीं हैं, उनका बहुत ही बेरहमी से वो कत्ल कर देता था। हर एक लड़ाई में वो जीतते जा रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी ताकतवर सॉर्सरेस थी, यानी उसकी एक जादूगर, जो उसे हमेशा हर एक लड़ाई के पहले दुश्मन उस पे कैसे वार करने वाला है ये पहले ही बता देती थी। और उसी तरह मेमनन और उसकी सेना लड़ाई की तैयारी करती थी और हर एक लड़ाई जीतते जाती थी। और अब इस पूरे दुनिया में गिने चुने ही छोटे राज्य थे जो उसके खिलाफ थे। वो एकजुट हो जाते हैं उसे मारने के लिए। उसी में हम किंग फेरम को देखते हैं और उनको वो चुनौती देता है कि उनमें से कौन मेमनन के उस जादूगर को मार सकता है। लेकिन तभी सामने आता है मथायस। मथायस ये एकेडियंस था। एकेडियंस कोई भी लड़ाई में हारते नहीं थे, वो काफी शातिर योद्धा थे। मथायस के साथ उसका भाई और उसका दोस्त भी था। ये तीनों भी किंग फेरन की चुनौती ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें किंग फेरन का आखिरी बचा हुआ खजाना चाहिए था, जो कि काफी अलौकिक और अनोखे पत्थर होते हैं, रेड रूबीज। अनोखे पत्थर यानी रूबीज देने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस सौदे से दो लोग काफी एतराज जताते हैं। किंग फेरन का खुद का एक बेटा होता है टैकमेट, क्योंकि वो पत्थर उसके खानदान की आखिरी बची हुई निशानी थी। और दूसरा आदमी था बैल्थेजार, जो कि न्यूबियन स्ट्राइब का राजा था। उसे अकेडियंस लोगों से काफी नफरत थी। अब आके मथायस, उसका भाई और उसका दोस्त सोर्सरर्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो चुपके से मेमनन के कैंप में घुस जाते हैं, लेकिन मेमनन के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि किंग फेरन का जो बेटा था वो ऑलरेडी मेमनन से मिला हुआ था। मथायस का भाई और उसका दोस्त जख्मी हो जाता है, लेकिन कैसे तैसे मथायस उस सॉर्सरस के टेंट में आ पहुंचता है। वो उसे बाण से मारने ही वाला था, लेकिन वो उसे पलट कर देखती है और मथायस उस सॉर्सरस की खूबसूरती को देखते ही रह जाता है। उसका नाम कजेंड्रा था। लेकिन तभी मेमनन के लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे मेमनन आ जाता है और उसके पीछे से आता है टैकमेट। अपने पिता को मार के उनका सर मैनमेट को वो देता है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। लेकिन तभी सेना मथायस के भाई को लेके आती है, जिसे मेमनन काफी बुरी तरीके से मार डालता है। आगे वो मथायस को भी मारने जाता है, लेकिन कजेंड्रा वहां पे आती है और उसे वॉर्न करती है। वो कहती है कि मैंने अपना विजन देखा है, भगवान की ही इच्छा है कि मथायस आज रात जिंदा रहना चाहिए। अगर तुमने या तुम्हारे लोगों ने उसे मार डाला, तुमने जो भी कुछ चीजें जीती है वो तुम एक ही रात में हार जाओगे। इसीलिए वो उसे नहीं मारता। लेकिन अगले दिन वो उसे भरे रेगिस्तान में जमीन के नीचे गाड़ देता है, ताकि इंसान को खाने वाली चींटियां उस पे हमला करें। उसके साथ साथ आरबीर नाम के एक चोर को भी उसके साथ गाड़ दिया था। देखते देखते हजारों की संख्या में काफी सारी चींटियां इनके सर के आसपास मंडराने लगी हैं। लेकिन आरबीर काफी होशियार रहता है, वो बाहर निकलता है और मथायस को भी बचाता है। और अब दोनों भी अपने अगले सफर में निकल पड़ते हैं। मथायस काफी गुस्सा था कि उसका भाई अभी मारा गया है, इसीलिए अपना काम पूरा करने और भाई के मौत का बदला लेने के लिए वो और आरबीर दोनों भी मेमनन के पैलेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी जगह मेमनन के पैलेस में हम देखते हैं वो अपने सॉर्सरर्स के जरिए अब वेस्ट में हमला करने वाला था, जहाँ पे क्वीन आइसिस का राज्य था। और उसके बाद वो अपने सेना को वेस्ट में भेजने का ऐलान करता है। कजेंड्रा उसे समझाती है कि तुम खून की नदियाँ बहा रहे हो, इससे तुम दुनिया में शांति कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन वो कहता है कि मुझे इस दुनिया का राजा बनना है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और वो कजेंड्रा के सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा है। लेकिन कजेंड्रा उसे कहते हैं जिस दिन हमारी शादी होगी और अगर हम दोनों एक हुए, तब मेरे
मेरी ये भविष्य देखने की शक्ति मेरे हाथ से चली जाएगी। दूसरी जगह मथायस किंगडम में पहुंच जाता है। वहां पे उसे एक छोटा लड़का मिलता है जो कि असल में एक चोर होता है, और वो मथायस से रूबी के पत्थर चुराता है, लेकिन मथायस उसे पकड़ लेता है और मेमनन का पता पूछता है, तो वो उसे फाइलोस के पास लेके जाता है जो कि काफी बड़ा जादूगर था और मेमनन को अक्सर जंग में मदद करता था। लेकिन उसे मेमनन पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा उसे मार डालने की धमकी देता था। इसीलिए फाइलोस मथायस के पूछने पे उसे बताता है मेमनन अभी कोर्टयार्ड में होगा जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहा है। अब मथायस वहां जाने के लिए निकलता है, लेकिन मदद करने के कारण उस बच्चे को वो एक रूबी दे देता है, और एक टावर पे चढ़ के वो मेमनन की ट्रेनिंग देखने लगता है और उसे पता लगता है कि मेमनन काफी शातिर योद्धा है। लेकिन तभी उसके सैनिक उस छोटे बच्चे को पकड़ते हैं क्योंकि उसके पास बहुत कीमती रूबी मिला था। अब उन्हें लगता है कि इसने चुराया है, इसीलिए टैटमेट उसका हाथ काटने के लिए जाता है। अब मथायस कश्मकश में पड़ जाता है कि वो मेमनन को मारे या बच्चे को बचाए, लेकिन आगे में वक्त कम होने के कारण वो एक बाण चलाता है जिसे टैटमेट की एक्स दीवार पे अटक जाती है और सबका ध्यान मथायस के पास जाता है। अब यही मौका दे के मथायस मेमनन को मारने के लिए जाता है, लेकिन मेमनन सीधा एक तलवार से उसके बाण रोकता है। अब सारी सेना मथायस के पीछे पड़ गई थी, वो कैसे तैसे उन्हें मारते हुए आगे चल पड़ता है और गलती से कैसेंड्रा के महल में आ गिरता है जहाँ पे कैसेंड्रा स्नान ले रही थी। मेमनन की सेना उसके पीछे पड़ी थी, तो मथायस कैसेंड्रा को चाकू के नोक पे पकड़ के पानी के रास्ते भगाता है। देखते देखते पूरे शहर में ट्रेडर के नाम पे हल्ला मच जाता है। मेमनन की सेना जादूगर फाइलोस को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो अपनी खास जादुई पाउडर लेके भाग जाते हैं और मथायस कैसेंड्रा को पकड़ के शहर के बाहर लेके आता है। वहां से मथायस कैसेंड्रा को लेके वैली ऑफ डेड जाने के लिए निकल पड़ता है। उनके साथ एयरपिट भी था। मथायस ये सोच रहा था कि अपने सोर्सरस को बचाने के लिए मेमनन उसके पीछे आएगा और वो उसे मार सकता है। दूसरी जगह पे हम मेमनन को देखते हैं। उसकी शक्तिशाली ताकत यानी वो सोर्सरस जाने के कारण उसकी सेना उसके ऊपर शक की नजर से देखने लगती है, लेकिन वो सबको झूठ कहता है कि सोर्सरस अभी भी उसके पास है। लेकिन वो अपने खास आदमी को बिच्छू का जहर लेके एक बाण बनाने के लिए कहता है ताकि वो मथायस को मार सके। दूसरी जगह पे ये तीनों भी डेड वैली में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रात को कैसेंड्रा उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथायस ने उसके पैर पे रस्सी बांध दी थी, इसके कारण वो जग जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कैसेंड्रा उसे बताती है कि वो मेमनन के पास वापस नहीं जा रही है, इनफैक्ट उसने उसे बचपन से कैदी बना के रखा था। मथायस को काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि ठीक है तुम जाना चाहती हो, लेकिन इस पूरे दुनिया में मुझसे भी काफी खतरनाक चीजें हैं जो तुम्हें शायद ही जीने देंगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए कैसेंड्रा उसके साथ ही रहने का फैसला करती है। अगले दिन तीनों भी जब अपना सफर तय कर रहे होते हैं, तब मेमनन अपने खास आदमी थोराक को मथायस को मारने और कैसेंड्रा को वापस लाने के लिए भेजता है। लेकिन मथायस को बहुत जल्दी पता लगता है कि उसके पीछे लोग हैं, इसलिए वो इन दोनों को भी छुपाता है और अकेले ही थोराक और उसकी सेना पे हमला करता है, क्योंकि उसे पता होता है थोड़ी देर में रेगिस्तान का तूफान आने वाला है। और देखते ही देखते जब वो हमला करने जाता है, उसके पीछे से बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए थोराक और उसके लोग एक केव में जाके छुप जाते हैं, लेकिन उस गुफा में मथायस थोराक के सारे लोगों को मारने लगता है। थोराक और मथायस की काफी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन थोराक मौका देख के मथायस के पैर में वो बाण मारता है जिसमें बिच्छू का जहर लगाया हुआ था, लेकिन मौका देख के मथायस थोराक को मार डालता है। जैसे ही तूफान रुकता है, कैसेंड्रा मथायस को ढूंढ लेती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी बिच्छू के जहर के कारण। रात को कैसेंड्रा अल्पिट को कहती है मैं इसको अपने जादू से बचा भी लेती हूँ, तो भी उस बिच्छू का जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया है और वो हमेशा के लिए इसके खून में दौड़ता रहेगा। और कैसेंड्रा अपने जादू का इस्तेमाल करके मथायस को उसकी जिंदगी वापस देती है। जैसे ही सुबह होती है, मथायस को होश आता है और वो कैसेंड्रा को अपनी जान बचाने का कारण पूछता है, तो वो उसे बताती है कि उसके विजन में वही एकलौता इंसान था जो उसे मेमनन से बचाने वाला था। इसीलिए तभी मथायस एक जगह पे थोरक का पंछी देखता है, तो वो उस पंछी के जरिए थोरक का एक पेंडेंट भेजता है मेमनन के पास, ताकि उसे पता चले कि उसका खास आदमी थोरक अब मारा गया है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम मेमनन को देखते हैं। उसकी जो सेना रहती है वो उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने कैसेंड्रा को देखा नहीं था और कैसेंड्रा के जादू और उसके विजन के बगैर मेमनन कुछ भी नहीं था। उसी दरमियान थोरक का ये पंछी संदेशा लाता है। जब वो देखता है कि ये थोरक का पेंडेंट है, उसे पता चल जाता है कि थोरक की जान अभी चली गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी सेना के सामने कुछ नहीं कहता। वो कहता है मथायस मारा गया है, इसीलिए हमें जश्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी जगह देखते हैं। मथायस आरपीड और कैसेंड्रा रेगिस्तान से जब जा रहे थे, तभी वो जादूगर फाइलिस से मिलते हैं। उसके पास चाइनीज बम की पाउडर थी और वो यहाँ पे धमाका कैसे करे उसके
उसकी परीक्षा कर रहा था और बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण कजेंड्रा और मैथियस का ध्यान उसकी तरफ जाता है। पाइलस कजेंड्रा को मिलकर काफी खुश हो जाता है और पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें काफी खूबसूरत नदी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पे सेना आ जाती है और उन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल ये पूरी जगह बाल्थेजर की थी। वो जैसे कजेंड्रा को देखता है उसे जेल में डालने के लिए जाता है, लेकिन मैथियस उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है और दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन बाद में वो जीत जाता है। बाल्थेजर उसे कहता है कि इस लड़की को मेमन के हवाले कर दो वरना वो लोग हमारी इस पूरे बस्ती को उड़ा देंगे, लेकिन मैथियस उसे समझाता है कि मैं अकेले ही इस बस्ती और उसके सेना के बीच में खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, जिसके कारण बाल्थेजर खुश हो जाता है और उसे अपनी जगह पे पनाह देता है। रात में जश्न शुरू था जहाँ पे कजेंड्रा एक छोटे बच्चे के सर पे हाथ रखती है और उसे विजन आता है कि बहुत जल्द ही मेनमन के लोग इस पूरे बस्ती को उड़ाने वाले हैं। उसके तलाश में वो काफी मायूस हो जाती है और मैथियस के पास आती है और उसे बताती है कि ये प्रोफेसी मैंने देखी है। मैथियस उसे कहता है कि मेनमन को मैं मारने वाला हूँ अपने हाथों से। कजेंड्रा उसका हाथ पकड़ती है और उसकी डेस्टिनी देखती है तो उसे पता चल जाता है कि इन दोनों की जब लड़ाई होगी तब मैथियस खुद मरने वाला है। ये देख वो काफी मायूस हो जाती है और उसे सच बता देती है, लेकिन मैथियस उसे कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाला हूँ, तुम मायूस मत हो, और दोनों भी एक हो जाते हैं, जिसके कारण कजेंड्रा की जो शक्ति रहती है कि वो फ्यूचर देख सकती है वो चली जाती है। लेकिन कजेंड्रा काफी मायूस थी, उसे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचानी थी, इसलिए वो उसी रात में मेनमन के पास जाने के लिए निकल जाती है। तो दूसरी जगह पे मेनमन के पैलेस में उसकी सेना उस पर सवाल खड़े करने लगती है क्योंकि उन्होंने कजेंड्रा को नहीं देखा था काफी समय से। वो उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन तभी अचानक से कजेंड्रा आ जाती है और सबको चुप कराती है। यहाँ पे अगली सुबह मैथियस देखता है कजेंड्रा उसके आसपास नहीं है, तो वो समझ जाता है इन लोगों को बचाने के लिए उसने खुद को सरेंडर किया है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन बाल्थेजर उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं अकेले तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं और मेरे लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। और फिर उसके साथ एरपीड, पाइलस और बाल्थेजर की सारी आर्मी निकल पड़ती है कजेंड्रा को बचाने के लिए। यहाँ पे मेनमन को पता चल जाता है कि कजेंड्रा मैथियस के साथ एक हुई है, इसीलिए उसकी सारी शक्तियाँ चली गई है। वो उस पे गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मैथियस और उसकी सारी सेना कैसल तक पहुंच गई थी। पाइलस की जो एक्सप्लोजिव की पाउडर रहती है वो सारे महल में इसके लोग चुपके से प्लांट करने लगते हैं, और तभी सारी सेना को मारते हुए मैथियस कासल के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन मेमनन उसके ऊपर हमला करने ही वाला था तभी मैथियस आता है ऊपर से और वो मेमनन के साथ लड़ाई करने लगता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह बाल्थेजर की सारी सेना बाकी लोगों को मारने लगती है और इन लोगों की घमासान लड़ाई शुरू होती है। तो दूसरी जगह पे बाल्थेजर टेकमेट को पकड़ता है और उसने अपने पिता को मारा था, इसीलिए उसे मार देता है। वो मेमनन के काफी सारे लोगों को अकेले ही मार गिराता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी आता है और मैथियस को बाण मारता है। यही कजेंड्रा का विजन था। दूसरी जगह पे मेनमन वो महल यानी हाउस ऑफ स्कॉर्पियो में अपनी जगह लेने जाता है एज अ पावरफुल किंग, ताकि वो स्कॉर्पियन किंग बने, काफी शक्तिशाली राजा बने। तो यहाँ पे दूसरी जगह वो आदमी वापस मैथियस की जान लेने के लिए जाता है, लेकिन कजेंड्रा आके उस गार्ड को मार देती है। यहाँ पे मैथियस देखता है मेनमन एक जगह पे खड़ा है ताकि वो पावरफुल किंग बने। यही मौका देख के मैथियस अपना बाण निकालता है और उसे मारता है। वो बाण इतने जोरों से मेनमन के कंधे पे लग जाता है और वो महल के नीचे गिरता है, और उस पाउडर के धमाके के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसी आग में वो मर जाता है। ये पूरा पैलेस नीचे गिरने लगता है जिसमें मेनमन की काफी सारी सेना मारी जाती है, और देखते देखते मैथियस ये लड़ाई जीत जाता है। नीचे काफी सारे लोग थे, वो मैथियस को अपना राजा मानते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, यानी कि अब वही उनका शक्तिशाली राजा था, यानी द स्कॉर्पियन किंग। मूवी के अंत में हम देखते हैं मैथियस और बाल्थेजर अब दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। बाल्थेजर अपने लोगों के साथ अपने किंगडम में चला जाता है। कजेंड्रा मैथियस को बताती है कि कुछ समय के लिए इस राज्य में शांति और समृद्धि बरकरार रहेगी, लेकिन वो आगे उसे बताती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट मैं थोड़ी देर में अपलोड कर रही हूँ, उसे भी देखें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।